हेलो एवरीवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में बच्चों आज के इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म ये चैप्टर टेन है क्लास सेवन क्लास सेवन का चैप्टर टेन है इसका हम ऑब्जेक्टिव करेंगे आप सबने अगर इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा तो इसका हम सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे हम सारे टॉपिक को आपने अगर अच्छे से पढ़ा है देखिए रेस्पिरेशन क्या है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एन एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन एन एरो रेस्पिरेशन मसल ईस्ट में साथ ही साथ ब्रीदिंग फिर ब्रीदिंग रेट हाउ डू वी ब्रीद उसके अलावा व्हाट टू द एयर विच वी ब्रीथ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस स्नीजिंग योनिंग स्मोकिंग ये सब जो फिनोमिना है क्यों होता है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स जैसे अर्थबम के अंदर फिश के अंदर इंसेट के अंदर किस प्रकार से ब्रीदिंग होता है ये हमें पढ़ना था साथ ही साथ रेस्पिरेशन इन लीव्स रेस्पिरेशन इन रूट रूट में किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है और एक सैंपल प्रॉब्लम था आपने हो सकता है इसको सॉल्व भी किया हो सैंपल प्रॉब्लम को बड़ा ही आसान है तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इस बुक में हम सारे क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे ऑल राइट क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट है इससे आपको टॉपिक पे तो पकड़ बनेगा ही और एग्जाम में भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे होना है तो देखिए एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करते हैं आपस आपके पास बुक है तो उसमें भी आ, सारे क्वेश्चन को फिल कर लीजिए देखिए नेम द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन है द द प्रोसेस बाय एनर्जी इज फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड ये तो रेस्पिरेशन का ही डेफिनेशन है ये हो गया रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन सेकेंड टू गैसेज विच आर एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन के समय कौन कौन सा दो गैसेज है जो एक्सचेंज होता है एक मतलब गैस आता है दूसरा गैस जाता है तो हम भी जा, सभी जानते हैं कि रेस्पिरेशन के समय जैसे ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना तो ओ टू एन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एन एनिमल विच ब्रीथ थ्रू लंग्स एक एनिमल जो लंग्स ब्रीथ करता हो तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है फिश लंग्स से ब्रिट करता है तो फेसेज डी देखिए एन ऑर्गेनिजम विच लीव विदाउट ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन का कौन सर्वाइव कर सकता है तो ईस्ट में आपने पढ़ा भी होगा ईस्ट बिना ऑक्सीजन का भी सर्वाइव कर सकता है क्योंकि उसके अंदर एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ई द दबस्टांस हुडअप इन द मसल ड्यूरिंग वीगोरस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प्स मतलब हैवी एक्सरसाइज के समय जब मसल में क्रैम्प होने लगता है तो कौन सा ऐसा चीज बनता है जिसके कारण मसल में क्रैम्प बनता है तो लेक्टिक एसिड ये भी एक एनअर्विक रेस्पिरेशन ही है रेस्पिरेशन दो प्रकार तो उसमें बनता है ऑलरेडी बच्चों नेक्स्ट एफ द रेड पिगमेंट इन ब्लड विच कैरीज ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड के अंदर जो रेड पिगमेंट है किसके कारण तो हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है हमने बताया भी था आपको मोग्लोबिन नेक्स्ट द टैनी पोर्स ऑन द सर्फिस ऑफ लीव्स ऑफ ए प्लांट थ्रो विच गैस एक्सचेंज अकर प्लांट के अंदर जो टैनी पोर्स होता है लीव्स के सर्फिस में जहां से गैसेज एक्सचेंज होता है वो क्या होता तो एस्टोमाटा नेक्स्ट है द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट इंसेक्ट का जो एयर ट्यूब होता है उसको क्या कहते हैं तो ट्रेकिया कहते हैं जो कि स्पेरिकल से जुड़ा होता है और इसी से जो इंसेक्ट अपना ब्रीदिंग करता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच यूजली टेक्स प्लेस इन ईस्ट ईस्ट में किस प्रकार का रेस्पिरेशन होता है तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन एन एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती हो रेस्पिरेशन अब फिल इन द ब्लैंक्स भर लेते हैं द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज द रिवर्स ऑफ रेस्पिरेशन का प्रोसेस किसका उल्टा है तो फोटोसिंथेसिस का फोटोसिंथेसिस कैसे उल्टा है तो देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है यहाँ ग्लूकोज बनता है और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के हेल्प से सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है पानी बनता है और ऑक्सीजन बनता है और सेम उल्टा रेस्पिरेशन में क्या होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एनर्जी बनता है और का वाटर बनता है सिंगल सेल्ड जिसको भी कहते हैं तो उसका ब्रीदिंग रेट क्या होगा दोस्तों इंक्रीज कर जाएगा इंक्रीज इज वी ऑल नो जो नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन का ब्रीदिंग रेट पंद्रह से अठारह होता है पंद्रह से अठारह टाइम्स पर मिनट होता है वही अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका Breathing rate 25 per minute हो सकता है उससे ज्यादा भी हो सकता है और बच्चों का तो ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता ही होता है नेक्स्ट हो, है मूवमेंट ऑफ ब्रीदिंग जो होता है उसमें किस किस का मूवमेंट होता है तो एक तो एक हमारा rib case, आपका rib है, डायफ्राम यहां लिखते हैं डाइफ्राम रिवकेज और डायफ्राम का मूवमेंट होता है ब्रीदिंग के समय द टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इन टू द बॉडी मतलब एयर को लेना बॉडी के अंदर जो कि ऑक्सीजन रिच हो उसको हम क्या कहते हैं इनहेलेसन इनहेलेसन इन्हेल करना क्या तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करना उसी को हम इनहेलेसन कहते हैं द एक्सपेलिंग मतलब बाहर करना ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड वैसा एयर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है जिसको हम एक्सपेल करते हैं फ्रॉम द बॉडी इस कॉल्ड उसको क्या कहते हैं एक्सहेलेशन एक्सहेल मतलब बाहर करना क्या कार्बन रिच कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर करना एक्सहेलेशन नेक्स्ट जी इन ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज क्या होता है तो जो लंग्स के अंदर एलविलाई होता है देखो को जो फर्दर डिवाइड होता है एयर सैक में जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है बैलून लाइक स्ट्रक्चर है एलविलाई वहीं पर गैसेस एक्सचेंज होता है तो एलवीओलाई ह्यूमन्स -like -like तो, के अंदर एलवीओलाई नेक्स्ट इन अर्थबॉम एक्सचेंज ऑफ गैसेज अगर थ्रू द अर्थबॉम में गैसेज एक्सचेंज कहा से होता है तो उसका जो मॉइस्ट स्किन होता है वहां से होता है मॉइस्ट स्किन इन प्लांट सेल ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन प्लांट सेल में ऑक्सीजन का यूज करने किया जाता है किसको ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज का ग्लूकोज इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज एनर्जी यहां भी एनर्जी का रिलीज होता है तो ये तो क्या है ब्रीदिंग का ही डेफिनेशन है ऑल राइट right, दोस्तों अब फॉल्स है एक बार देख लीजिए सारा जो है आप नेम द फॉलोविंग और फिलिंग द ब्लैंक्स अच्छे से हमने भर दिया है आप भी अपने बुक में भर लीजिए ट्रू फॉल्स देखिए रेस्पिरेशन इज ए टाइप ऑफ कंबसन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर बिल्कुल सही बात है रेस्पिरेशन एक प्रकार का कंबसन है कम्बसन मतलब किसी भी चीज़ का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना है ट्रू एनर्जी कैन बी रिलीज इन द सेल्स विदाउट ऑक्सीजन बिल्कुल सही बात है बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी रिलीज हो सकता है ईस्ट के अंदर होता है जहाँ पर अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है अल्कोहल का बनना एन रेस्पिरेशन तो ये भी सही है एनर्जी कैन बी रिलीज इन द सेल्स विदाउट ऑक्सीजन ट्रू है ये स्टेटमेंट दोस्तों ट्रू है नेक्स्ट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ ए पर्सन स्लोज डाउन हैवी एक्सरसाइज करते तो क्या हमारा ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है जी नहीं आप तो हाफने लगते हैं बढ़ जाता है ये फॉल्स स्टेटमेंट है बताए भी थे कि अगर हैवी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो आपका ब्रीदिंग रेट 25 टाइम्स पर मिनट से ज़्यादा हो सकता है नॉर्मल कंडीशन में 15 से 18 टाइम्स पर मिनट होता है अगर आप स्लिप करते हैं सोते हैं तो उससे भी कम हो जाता है बच्चों में 20 से 30 टाइम पर मिनट होता है द साइज ऑफ चेस्ट कैटिटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेन बिल्कुल सही बात है रेप हमारा ऊपर की तरफ बाहर की तरफ मूवमेंट करता है जिसके कारण हमारा चेस्ट कैविटी का साइज जो है बढ़ जाता है ये ट्रू है फ्रॉक ब्रीथ थ्रू लंग्स एज वेल एज स्किन बिल्कुल सही बात है फ्रॉक जो है लंग से भी ब्रीथ करता है स्किन से भी जब पानी के अंदर जाएगा तो स्किन से ब्रीथ करेगा ये ट्रू है और इसका जो टेडपोल होता है फ्रॉक का जो टेडपोल होता है चाइल्ड स्टेज में तो वो आपका गिल्स ब्रीथ करता है तो फ्रॉग में तो तीन चार होता है एक है बकोफरेंजल कैिटी फ्रॉग होता है वो भी होता है वेल्स एंड डॉल्फिन लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रो गिल्स वेल्स एंड नो डॉट पानी के अंदर रहता है दोस्तों लेकिन ये क्या है मेमल्स है इसके पास लंग्स होता है ठीक इसके हेड के जो ऊपर वाले पार्ट पे अपर पार्ट ऑफ हेड पे, पे नॉस्ट्रिल्स होता है जिसको ब्लो होल्स भी कहते हैं ऑल राइट तो उसी के थ्रू ये गैसेज एक्सचेंज करता है तो ये गिल्स के थ्रू नहीं इसके पास भी लंग्स होता है तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया ओके आप अच्छे से देख लीजिए सबको ट्रू फॉल्स को अच्छे से भर लीजिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं मैच फ़ॉलोइंग है पहले मैच कर लेते हैं देखिए पहला है ईस्ट ईस्ट होगा तो ऑब्वियसली बात अल्कोहल फॉर्मेशन कहीं ना कहीं होगा अल्कोहल एक का थर्ड ईस्ट का होगा अल्कोहल तो थर्ड वाले में इसको मैच कर दीजिए यहां जो थर्ड है अल्कोहल ये डायफ्राम, डायफ्राम मतलब ये क्या है हमारा ये हमारे चेस्ट कैबिटी के साइज को कम ज़्यादा करता है तो फोर्थ हो जाएगा डायफ्राम फोर्थ स्किन देखिए स्किन से कौन सांस लेता है तो अर्थबम आपका स्किन से सांस लेता है तो सी का हो जाएगा वन अर्थबम। लिब्स दोस्तों लिब्स के अंदर क्या होता है तो एस्टोमाटा होता है तो लिब्स का हो जाएगा फाइव फिश फिश गिल से सांस लेता है तो फिश का हो जाएगा टू फ्रॉग आपका लंग्स एंड स्किन दोनों होता है तो ये उसका सिक्स हो जाएगा और इंसेक्ट इंसेक्ट के अंदर स्पारेकल्स, स्पारेकल्स कनेक्टेड होता है स्पैरिया से तो सेवन ऑल राइट तो इस प्रकार से आपका ये मैच मैथ फॉलोइंग हो गया और आगे हम पहले शॉर्ट और लॉन्ग भी कर लेंगे लास्ट में करेंगे पहले हम एम कर लेते हैं पहले सारा ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं फिर एक एक ऑब्जेक्टिव ही सब्जेक्टिव भी हम करेंगे देखिए द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट एम सी क्यू करें मल्टीपल चोस क्वेश्चन द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट नॉर्मल पूछा है ब्रीदिंग रेट पर मिनट ऑफ एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन जो एडल्ट ह्यूमन का ना कितना होता है तो पंद्रह से अठारह टाइम्स पर मिनट बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है सेकेंड है ड्यूरिंग एक्सेलेशन जब हम सांस छोड़ते हैं तो रिवकेज ये क्या करता है अंदर की तरफ आता है मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड अंदर और ऊपर नीचे की तरफ आएगा बी नेक्स्ट है इन कॉकरोच एयर इंटर द बॉडी थ्रू कॉकरोच क्या है इंसेक्ट है ना इंसेक्ट के अंदर क्या होता है स्पेरिकल्स होता है स्पेरिकल्स के थ्रू वहाँ पर एयर अंदर आता है फोर्थ देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एन अर्विक रेस्पिरेशन इन ईस्ट ईस्ट में एन अर्विक रेस्पिरेशन के समय क्या नहीं बनता है नॉट प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एनर्जी बनता है कम अमाउंट में लैक्टिक एसिड तो मसल के अंदर बनता है दोस्तों तो ये सी आंसर हमारा सही हो जाएगा अल्कोहल उसके अंदर बनता है फिर है फाइव नंबर देखिए विच ऑफ द फ्लाइंग हैज हिमोग्लोबिन कंटेनिंग ब्लड हमोग्लोबिन कंटेनिंग ब्लड किसके अंदर होता है तो हम लोग के अंदर हीमोग्लोबिन कंटेनिंग ब्लड होता है जो भी हायर एनिमल्स है जैसे ग्रास ऊपर के अंदर देखें हीमोग्लोबिन नहीं होता है इसलिए उसका ब्लड रेड नहीं होता है कॉकरोच के अंदर भी नहीं होता है गूज गूज एक क्या है गूज का नाम आप सुने होंगे एक टाइप का एक बर्ड ही है इसके अंदर होता है वैस्प ये तो आपका इंसेक्ट हो गया इसके अंदर भी हीमोग्लोबिन कंटेनिंग ब्लड नहीं होता है सिक्स देखिए विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ एन एरोविक रेस्पिरेशन नॉट ए प्रोडक्ट एरोपेरेशन एरोपिरेशन का प्रोडक्ट कौन नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है अल्कोहल एन एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है तो सिक्स का हमारा बी हो जाएगा सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल मसल में जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका कौन सा एक प्रोडक्ट नहीं है तो देखिए मसल के अंदर आप जानते हैं लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ नहीं बनता है तो ए तो होगा हमारा आंसर एनर्जी बनता है अल्कोहल वहाँ नहीं बनता है तो ए और सी लैक्टिक एसिड बनता है तो ए और सी नहीं बनता है नॉट ए प्रोडक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल एट नंबर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स द एक्सचेंज ऑफ टेक्स प्लेस इन रेस्पिरेशन के समय जो ह्यूमन्स में जो रेस्पिरेशन होता है गैसेज एक्सचेंज कहाँ होता है पहले भी करके आए हम क्वेश्चन एल के अंदर गैसेज एक्सचेंज होता है नेक्स्ट है नाइन नंबर विच ऑफ़ द फ्लोइंग डज नॉट हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग किसके पास ब्रीदिंग के लिए लंग्स नहीं होता है डज नॉट हैव लंग्स देखिए लीजार्ड इसके पास लंग्स होता है फ्रॉग के पास भी लंग्स होता है लंग्स और स्किन से ये आ, ब्रीदिंग करता है फिश के पास गिल्स होता है तो हमसे पूछा है किसके पास लंग्स नहीं होता तो फिश के पास फॉक्स तो एनिमल है तो इसके अंदर होगा वेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस एक्सपेरिमेंट को आपने आ, कई बार किया है सी ओ का होल टू लाइम वाटर द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की लाइम वाटर जो है मिल्की वाइट हो जाता है ड्यू टी द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस के कारण तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण जो है लाइम वाटर मिल्की हो जाता है सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड द एनिमल विच कैन ब्रीथ थ्रू द लंग्स एज वेल एज स्किन लंग्स और स्किन से दोनों से ब्रीथ करता है वो कौन है आपका फ्रॉग है फिश गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करता है डॉल्फिन ब्लो होल्स नोस्ट्रिल्स होता है इसके अंदर क्रोकोडाइल के पास तो लंग्स होता है ट्वेल्थ विच ऑफ द फ्लाइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैव ए मच हायर ब्रीदिंग रेट देखिए चार ऑप्शन दिया है उसमें से ज्यादा ब्रीदिंग रेट किसका हो सकता है तो देखिए ब्रीदिंग रेट का एक कॉन्सेप्ट चलता है कि सर्फेस एरिया जितना कम होगा सर्फेस एरिया जितना कम होगा ब्रीदिंग रेट उसका उतना ज़्यादा होगा सॉरी सर्फेस एरिया जितना ज़्यादा ब्रीदिंग रेट उतना ज़्यादा होगा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो जो फिस है ना यहाँ पर फीस का सर्फेस एरिया ज़्यादा होता है उसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो फीस का जो है आपका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा और सबके कंपेरिजन में नेक्स्ट देखिए थर्टीन आपने देखा भी होगा जब मछलियाँ को अगर पानी में देखें आप जो जो आसपास पास मछली कभी बिकते हुए हो, देखे होंगे तो वो जो जिस कंटेनर में रखता है तो मछलियाँ जल्दी जल्दी अपना गेल्स को खोलती हैं गेस को खोलती है, मतलब कार्बो डाऑक्साइड छोड़ती है और मुंह भी खोलती है मुंह से वो पानी एयर एयर को अंदर लेती है उसके अंदर डीजल ऑक्सीजन होता है तो उसी डीजल ऑक्सीजन से अपना वो ब्रीदिंग करती है रेस्पिरेशन करती है ऑल राइट right, तो मछलियाँ आपसे जल्दी जल्दी मुँह खोलती है और फिर जो है गेल्स को भी खोलती है मतलब उसका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है थर्टीन एनर्जी ऑफ फूड विच वी we इज रिलीज स्लोली इन साइड आवर बॉडी by द प्रोसेस कॉल्ड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं इसी को तो हम रेस्पिरेशन कहते हैं ऑल राइट सेंचुरी स्किल को भी कर लेते हैं इसको देखिए इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट द मैकेनिज्म ब्रीदिंग ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को दिखाने के लिए एक बेल जार दो बैलून इन द बेल जार एंड रबर सी टाइट ड ऑफ ए बेलजार ये एक्सपेरमेंट एक्टिविटी दिया रहता है ऑल राइट आपके बुक में भी दिया होगा हम आपको दिखा देते हैं यहां पर तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि वाट डाज द स्पेस इन द बेलजार रिप्रेजेंट बेलजार के अंदर जो स्पेस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है पहले आंसर लिख लीजिए हम आपको बताते हैं वो चेस्ट कैविटी रिप्रेजेंट करता है जो स्पेस होता है बेलजार के में वो हमको चेस्ट का कैविटी रिप्रेजेंट करता है वाट डू द बैलून इन द बेलजार रिप्रेजेंट बेलजार के अंदर जो बैलून है वो क्या रिप्रेजेंट करता है तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है Lungs, बैलून क्या रिप्रेजेंट करता है वहां पर लंग्स को रिप्रेजेंट करता है दो बैलून लगाते हैं और व्हाट इज द रबर सीट टाइड ओवर एंड ऑफ रिप्रेजेंट रबर सीट जो के अंदर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता को रिप्रेजेंट करता है यूजली right, को, को, जो है सारा बुक लिखती है एनसीईआरटी भी लिखती है इसको हम आपको दिखाते देखिए ये एक्टिविटी कुछ इस प्रकार का है देखिए एक बेलजार है इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब टी टाइप का ट्यूब लिया है और इस ट्यूब में क्या किया है दो बैलून को ऐड कर दिया है तो ये जो स्पेस है बेल जार के अंदर का जो स्पेस है ये हमको चेस्ट का कैविटी को रिप्रेजेंट करता है दोनों बैलून हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट करता है ऑल राइट और रबर सीट जो है नीचे ये जो रबर सीट नीचे है ये डायफ्राम को रिप्रेजेंट करता है देखिए जब ब्रिद वृद्ध जब एयर ले रहा होगा ब्रीदिंग कर रहा होगा यहाँ से जो अगर कोई एयर एंटर करवाएगा तो बैलून फूलेगा जैसे ही बैलून फूलेगा तो ये भी स्पेस जो है ये भी स्पेस बढ़ जाता है ऑल राइट तो इस प्रकार से हमारा जो है आ, हमारे अंदर भी इसी प्रकार से वर्किंग होता है लंग्स के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देर आर थ्री एनिमल्स एक्स वज एक्स वज तीन एनिमल्स है द एनिमल एक्स कैन इन वाटर एक्स जो है पानी के अंदर रह सकता है एज वेल एज ऑन लैंड पानी और लैंड दोनों पे रह सकता है एंड कैन ब्रीथ थ्रो इट्स मोहस्ट स्किन अपने मोह स्किन और लंग्स दोनों से सांस ले सकता है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, आप आसानी समझेंगे Frog के बारे में कह रहा है तो एक्स हमारा Frog हो जाएगा दैनमल वाई ऑलवेज लिवस इन वाटर वाई जो है हमेशा पानी के अंदर ही होता है और गिल्स का यूज़ करता है ब्रीथिंग के लिए तो ये क्या हो गया हमारा ये तो आपका मछली हो जाएगा वाई मछली हो गया ऑन द अदर हैंड जेड लिवस ऑन सॉइल एंड ब्रीथ ऑनली थ्रो स्किन और जेड जो है सॉइल के अंदर रहता है और सिर्फ स्किन से ना ब्रीदिंग करता है तो जेड क्या हो जाएगा आपका अर्थवॉम हो जाएगा ऑल राइट तो इसको आसानी से लिखा जा सकता है विच एनिमल कुड बी ए फिश फिश कौन हो सकता है तो वाई वाई जो पानी में रहता है हमेशा वो आपका फिश हो सकता है तो वाई विच एनिमल कुड बी एन अर्थबॉम अर्थबॉम कौन हो सकता है दोस्तों तो जेड जो सिर्फ जो सॉइल के अंदर आता है और मॉइस्टर स्किन से लेता है तो ये आपका ये हो गया अर्थबॉम और विच एनिमल कुड बी ए फ्रॉग इसमें से फ्रॉग कौन होगा तो एक्स जो है फ्रॉग होगा हमारा एक्स फ्रॉग को बता रहा है फिर देखिए नेम वन एनिमल विच ऑलवेज लिव्स इन वाटर बट हैज नो गिल्स फॉर ब्रीदिंग एक एनिमल का नाम बताइए जो हमेशा पानी के अंदर रहता है लेकिन गिल्स का यूज नहीं करता है ब्रीदिंग के लिए उसके पास गिल्स होता ही नहीं है तो वेल आपका वेल और डॉल्फिन जो होता है पानी के अंदर आता है हमेशा लेकिन वो लंग्स के थ्रू ही उसके पास नोज होता है नोस्टिल होता है ब्लो होल्स होता है जिसके थ्रू वो ब्रीदिंग करता है थर्ड देखिए नेम वाट आर द प्रोडक्ट ऑबटेंड इन द एन एरबिक रेस्पिरीसन एन एरबिक रेस्पिरीशन के अंदर कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है फर्स्ट है इफ इट प्लेस इन मसल अगर मसल के अंदर हो तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है तो आप जानते हैं ग्लूकोज ग्लूकोज का अगर हम ब्रेकडाउन करवाएं मतलब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नो ऑक्सीजन नो ओ टू मतलब एन एरोबिक रेस्पिरेशन एन एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन मसल मसल का बात कर रहा है तब जो हमारा प्रोडक्ट बनता है बस लैक्टिक एसिड और एनर्जी लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनता है और ईस्ट में देखे तो ग्लूकोज यहाँ भी नो ऑक्सीजन ठीक है एनर्विक रेस्पिरेशन यहाँ हमको प्रोडक्ट बनता है दोस्तों अल्कोहल बनता है प्लस यू टू बनता है प्लस एनर्जी बनता है ये हम लिखेंगे फिर देखिए कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स इन सारे एनिमल को देखिए फिश है ग्रास होपर है काकरोच है अर्थबम है फ्रॉग है काव है गोट है मैन है लीजार्ड है स्नेक है विच ऑफ दिस एनिमल्स इसमें से कौन सा एनिमल ब्रीद ओनली थ्रू स्किन सिर्फ स्किन से ब्रीद करता हो तो स्किन से कौन ब्रीद करता है तो अर्थबम नो डाउट इजी नेक्स्ट ब्रीथ थ्रो स्किन एज वेल एज लंग्स स्किन और लंग्स दोनों से ब्रीद करता है ये तो आपका फ्रॉग है ब्रीथ ओनली थ्रू लंग्स जो लंग्स से ब्रीद करता है लंग्स से ब्रीद करने वाला तो बहुत है आपका काउ है गोट है मैन है लीजाड है स्नेक है ऑल राइट नेक्स्ट ब्रीथ थ्रू इस्पैरिकल्स एंट्रे किया स्पेरिकल्स एंट्रे किया किसके पास है तो ग्रास हॉपर है काकरोच है ग्रास हॉपर काकरोच नेक्स्ट है ब्रीथ थ्रू गिल्स तो यह आपका फिश होगा फिश जो है गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करता है ऑल राइट right, दोस्तों तो ये आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हमने करा दिया है अब आइए सब्जेक्टिव पर सब्जेक्टिव भी बहुत आसान है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज बाय रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन का क्या मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन आराम से डेफिनेशन पीछे दिया हुआ आप लिख सकते हैं राइट वर्ड इक्वेशन फॉर इट अगर लिखना हो बुक से तो देखिए हम आपको दिखा देते हैं इसके लिए वर्ड इक्वेशन भी लिखना है तो देखिए रेस्पिरेशन का कई सारा डेफिनेशन दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन ऑल राइट यहां से आप यहां तक लिख सकते हैं शॉर्ट है तो यही बस लिखिए और वर्ड इक्वेशन लिखना है तो ये वर्ड इक्वेशन आपका हो गया ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इन बॉडी सेल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी बनता है तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यहां से यहां तक ओके okay? और क्वेश्चन देखिए विच टाइप ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन मोर एनर्जी रिलीज फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज फूड वाई देखिए किस रेस्पिरेशन में या तो या एन एरोबिक. एरोबिक और एन एरोबिक में से किस रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है और क्यों तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है याद रखिए दोस्तों इसमें हम क्या लिखेंगे आंसर तो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन एरोपिरेशन और वाई पूछा है तो वाई का जवाब क्या होगा बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर सो ए लॉट लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन एरोट वहीं इन इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन देर इज नो ऑक्सीजन इज यूज या फूड इज ऑक्सीडाइज्ड फूड इज respired इन द absence ऑफ ऑक्सीजन सो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज produced इन एन respiration. रेस्पिशन यहाँ देखिए लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन के बीच हमको डिफरेंस लिखना है बड़ा ही आसान है यहाँ से आप डिफरेंस लिख सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन. देखिए अरेबिक रेस्पिशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एन एरबिक रेस्पिशन टेक्स प्लेस इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट हो गया सेकेंड कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर इन एरविक रेस्पिरेशन एरविक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है इसलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो सेकंड क्वेश्चन था ना उसका हम यही रीजन लिख सकते हैं कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर इन एरविक रेस्पिरेशन सो लॉट अमाउंट ऑफ लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूज इन एरविक रेस्पिरेशन यहाँ पार्सल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर जो एनर्विक रेस्पिरेशन होता है वहाँ पार्सल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर इन एनर्विक रेस्पिरेशन इसलिए यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट इन एर्विक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो एरविक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट मतलब बाई जो प्रोडक्ट बनता है कौन कौन बनता है तो यहाँ पर कार्बन डाईआक्साइड और वाटर है और जो यहाँ पर देखिए एंड प्रोडक्ट है एन एर्विक में द एंड प्रोडक्ट इन एन एरविक रेस्पिरेशन में भी अल्कोहल और कार्बन डाईआक्साइड अगर यस्ट होगा तो अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड होगा और लेक्टिक एसिड मसल है तो हमारा लेक्टिक एसिड होगा और आपका एनर्जी होगा लिटिल अमाउंट ऑफ फिर एरविक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एरविक रेस्पिरेशन में अच्छा खासा एनर्जी प्रोड्यूस होता है और यहाँ पर मच लेस एनर्जी प्रोड्यूस इन एन एरविक रेस्पिर एन एर्यरविक रेस्पिरेशन में बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डू यू यूजअली फील हंग्री आफ्टर ए हैवी फिजिकल एक्सरसाइज हैवी फिजिकल एक्सरसाइज के बाद हम यूजअली हंग्री क्यों फील करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हाँ जो हैवी फिजिकल एक्सरसाइज हम कर लेते हैं ना तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है हमारे सेल को ना ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए ऑल राइट right, इसी एनर्जी के रिक्वायरमेंट के कारण हमको जो है ग्लूकोज जल्दी हमारे बॉडी के अंदर वो ब्रेक डाउन होना शुरू कर जाता है तो हमको हंग्री फील होता है बस इसी सब चीज़ को यहाँ से यहाँ देखिएगा हम इसी स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं तो यहां से आप अच्छे से देखिएगा इसको आपको मिल जाएगा अब खुद से भी लिखा जा सकता है वाट वुड हैव पेन इफ ए पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम गिव रीजन फॉर योर आंसर देखिए अगर कोई पॉटेड प्लांट है किसी गमला के अंदर आपने पौधा को लगाया हुआ है और उसको ज्यादा से ज्यादा पानी आप डाल दिए हैं लंबे समय तक के लिए तो क्या होगा वो पौधा सूख जाएगा कारण क्या है पानी आप ज्यादा दीजिएगा ना तो उसके अंदर जो एयर ट्रैप था एयर ट्रैप अब नहीं रह पाएगा सारा का सारा एयर बाहर आ जाएगा तो रूट जो रेस्पिरेशन करता है तो रूट रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा रूट के पास ऑक्सीजन है ही नहीं रूट के पास ऑक्सीजन है ही नहीं तो रूट हर किसी भी ऑक्सीजन को नहीं ले पाएगा उसके अंदर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो रूट जो है धीरे धीरे डाई करना शुरू कर देगा और अब प्लांट आपका ड्राइप हो जाएगा सूख जाएगा मर जाएगा ऑल ये देखिए यहाँ से लिख सकते हैं देखिए इफ़ ए यहाँ से लिखिएगा इफ़ ए पॉटेड प्लांट इज ओवर आटर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम देन द प्लांट में अल्टीमेटली डाई दिस इज बिकॉज टू मच वाटर एक्सपेल ऑल द एयर फ्रॉम इन बिटवीन द सॉयल पार्टिकल्स ड्यू टू दिस ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल टू द रूट्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन अंडर दिस कंडीशन द रूट्स ऑफ प्लांट ट्रेसपायर एंड एरोली प्रोड्यूसिंग एल्कोहल दिस में किल द प्लांट यहाँ से यहाँ तक लिखा जा सकता है ओके okay? नेक्स्ट विच विल टर्न लाइम वाटर मिल्की मोर अप्रिसिएबली इनल्ड ईयर या एक्सल्ड एयर जो है लाइम वाटर को कौन अच्छे से मिल्की कर पाएगा इनहेल्ड ईयर एयर या एक्सहेल्ड एयर तो आप पहले देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ज़्यादा होता है देखिए जो इनहेल्ड एयर है ना दोस्तों उसके अंदर बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड है और जो एक्सहेल्ड एयर है जो हवा हम छोड़ते हैं नोज के थ्रू उसके अंदर फोर पॉइंट फोर परसेंट है तो आप बताइए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो लाइम वाटर भी अच्छे से मिल्की हो पाएगा तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखिएगा एक्सहेल्ड एयर इसमें लिखेंगे एक्सहेल्ड एयर टर्न लाइम वाटर मिल्की मोर एप्रिसिएबली बस एक्सहेल्ड एयर टर्न लाइम वाटर मिल्की मोर एप्रिसिएबली बस इतना लिखना है फिर है वाई डू ऑल द ऑर्गेनिज्म रेस्पायर सारे ऑर्गेनिज्म क्यों रेस्पायर करते हैं रेस्पिरेशन से हमको एन, कर, एनर्जी मिलता है बिकॉज बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वी गेट मच मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल डूइंग ऑल द एक्टिविटीज़ इन साइड आवर सेल और टू कंटिन्यू द कंटिन्यू द लाइफ प्रोसेस लाइफ के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता है और ये एनर्जी हमको रेस्पिरेशन के थ्रू ही मिलता है इसलिए सारा ऑर्गेनिज्म जो है रेस्पिरेशन करता है आसान है नेक्स्ट है वाई डू mountaineers कैरीज ऑक्सीजन गैस सिलेंडर विद them? जो माउंटेनियर पर्वतरोही, पर्वतरोही जो पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं क्योंकि हायर जितना भी ऊंचाई पर आप जाएंगे ना वहाँ ऑक्सीजन कम होता है ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जाता है तो उस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण ड्यू टू इनसफिसेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रजेंट एट द टॉप माउंटेन्स द माउंटेयर्स कैरी देयर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर ऑल राइट बस इतना लिख देना है अदरवाइज ऑक्सीजन कम होगा तो उनको सफोकेशन होने लगेगा वॉमिटिंग हो जाने लगेगा वहाँ पर आ, क्योंकि ऑक्सीजन कम होगा तो उसका रेस्पिरेशन सही से नहीं हो पाएगा ब्रेकडाउन ऑफ फूड सही से नहीं हो पाएगा फिर वाई डू शो ऑफेंसनीज वाई डू वी ऑफेंसनीज वेन वी इन्हील ए लॉट ऑफ डस्ट लेड एयर जब हम मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट आ, लेडेड एयर अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो हमको स्नीजिंग क्यों हो जाता है तो देखिए स्नीजिंग होने का जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों यहां पर बताया गया है। हैल एयर कंटेनिंग डस्ट स्मोक पोलिनि जब हमारे स्मोकिंग सॉरी जब हम, हम डस्ट स्मोक और पोलिन लेडेड एयर अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो हमको स्नीजिंग होने लगता है इसके पीछे कारण क्या है

जितना भी है अनवांटेड डस्ट फ्री पार्टिकल्स ये सब को क्या करता है एक्सपेल कर देता है स्नीजिंग करने से हम सारा जो है डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को एक्सपेल कर देते हैं ओके ताकि जो हमारे इंटरनल लंग्स में फ्रेश एयर जाए फिर है डिफाइन ब्रीदिंग रेट ब्रीदिंग रेट को डिफाइन कीजिए द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीद पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट आसानी से इसको लिखा जा सकता है ब्रीदिंग रेट का भी डेफिनेशन यहाँ आप पर आपको ब्रीदिंग रेट का डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है देखिए नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीद इन वन मिनट एक मिनट के अंदर कोई पर्सन कितना ब्रीद करता है इस ब्रीदिंग रेट ऑल राइट ब्रीदिंग रेट इन एन एडल्ट ह्यूमन इज इज अबाउट एट रेस्ट बींगीन टू एटीन टाइम्स पर मिनट रेस्ट कंडीशन में किसी भी एडल्ट ह्यूमन के अंदर ब्रीदिंग रेट कितना है तो पंद्रह से अठारह टाइम्स है आसान है इसको आसानी से किया जा सकता है हाउ डज द ब्रीदिंग रेट इन चिल्ड्रेन डिफर फ्रॉम डेट इन एडल्ट्स तो इसमें क्या लिखेंगे जो बच्चों में जो ब्रीदिंग रेट होता है एडल्ट के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है ऑल राइट क्योंकि बच्चे जो है उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है उसका बॉडी जो है बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा होता है तो ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ताकि जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन हो सके एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसको ज़्यादा होता है इसलिए उसका जो है ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द लीव्स ऑफ प्लांट प्लांट के लीव्स में रेस्पिरेशन के प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है एंड द रूट्स ऑफ प्लांट यहाँ से लिख सकते हैं देखिए द रूट्स ऑफ प्लांट टेकअप एयर फ्राम द स्पेसिस बिटवीन द सॉयल पार्टिकल्स इसमें से हम लिख लेंगे और यहाँ रेस्पिरीशन लीवस भी दिया हुआ है द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लीव जूरिंग रेस्पिशन टू एक्सप्लेस थ्रो एस्टोमाटा यहां बताया गया कि ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इंटू इंटू द लीव थ्रो एस्टोमाटा एनरिचेज ऑल द सेल्स बाई द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन दिस ऑक्सीजन इज यूज इन द रेस्पिरे इन द सेल ऑफ द लीफ द कार्बन डाईऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिशन डिफ्यूज आउट फ्रॉम द लीफ इंटू uh, air through the same stomata. So we can also say that plant breathe through the tiny pores in the leaves and called stomata. इसमें सब लिख दीजिएगा और roots वाला जो है इसमें से points को लिख देना है अब है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वाट इज मेंट बाई अरेबिक रेस्पिरेशन डेफिनेशन है सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन इज कॉल्ड एरबिक रेस्पिरेशन एक्सप्लेन बाय राइटिंग ए वर्ड इक्वेशन अरबिक रेस्पिरेशन का वर्ड इक्वेशन लिखना है तो बड़ा ही मतलब आसान है देख लीजिए वो जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो भी था तो अरेबिक रेस्परेशन का ही वर्ड इक्वेशन था देखिए ये जैसे अरेबिक रेस्पिरेशन यहाँ दिया हुआ है वन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फूड आकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरविक रेस्परेशन डेफिनेशन लिखना है, तो यहाँ से लिख दीजिएगा इसका वर्ड इक्शन है यहाँ से लिख दीजिएगा एक क्वेश्चन के अंदर की तीन क्वेश्चन एनसर किए हुआ तो इसलिए छोटा छोटा क्वेश्चन हो जाएगा नेम वन ऑर्गेनिजम बीच नॉर्मली यूज एरविक रेस्पिरेशन अपना नाम लिख दीजिएगा हमारे अंदर जो है एरविक रेस्पिरेशन होता है वाट टाइप ऑफ इन ह्यूमन मसल ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज ह्यूमन मसल के अंदर हैवी फिजिकल एक्सरसाइज के दरमियान कौन सा है? रेस्पिरेशन होता है तो एनर्विक रेस्पिरेशन होता है बस इसमें एनर्विक रेस्पिरेशन लिख देना है उसका वर्ड इक्वेशन लिख देना है फिर डिफाइन एनर्विक रेस्पिरेशन ये भी आपको मिल जाएगा पीछे से राइट ए वर्ड इक्वेशन फॉर द प्रोसेस इसका भी वर्ड इक्वेशन आसानी से लिखा जा सकता है ईस्ट वाला लिख दीजिएगा देखिए एनर्विक रेस्पिरेशन यहाँ से ये एनर्विक रेस्पिरेशन का पहले तो हम डेफिनेशन लिख देंगे वेन द दे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन ये लाइन लिख देंगे पूरा इसका वर्ड इक्वेशन लिख देंगे और एग्जाम्पल पूछेगा तो इष्ट का एग्जाम्पल दे देना है वाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन ह्यूमन के अंदर यूजअली किस प्रकार का रेस्पिरेशन होता है तो बेस्टली बात हमारे अंदर यूजअली जो है आ, एर्विक रेस्पिरेशन होता है नेम एन ऑर्गेनिज्म विच ऑलवेज यूजेज एनर्विक रेस्पिरेशन तो ये आपका एनर्विक रेस्पिरेशन किस में इष्ट के अंदर होता है हमेशा और अल्कोहल बनता है वाट आर द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है देखिए इसमें नोज़ है नेजल पैसेज है ट्रेकिया है ब्रोंका है ब्रोंक्योल्स है सबको आपको बताया गया है उसके बाद एलविला है डायफ्राम है ये इन्वॉल्व है इन सब का नाम लिखना है ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का लेबल डायग्राम बनाना है तो ये देखिए इस सिस्टम को आप इस पूरे को अच्छे से लिख देना है द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इस डायग्राम को अच्छे से बना दीजिए ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ये आंसर लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट इज मेड बाय ब्रीदिंग ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है सांस को लेना ऑक्सीजन रिच एयर को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सपेयर करना ब्रीदिंग कहलाता है डेफिनेशन दिया हुआ बुक के अंदर डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ब्रीदिंग इन ह्यूमन ह्यूमन में ब्रीदिंग का मैकेनिज्म को आपको डिस्क्राइब करना है देखिए हाउ डू वी ब्रीद हार्डू बी ब्रीथ के अंदर ये इसमें दिया हुआ है तो इसके कुछ पॉइंट्स को लिखना है ब्रीदिंग इन एज अ चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर ये ब्रीदिंग इन में एज अ चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एयर इज सक्ड इन फ्रॉम द आउटसाइड इन टू द लंग्स इसको लिख देना है एज अ चेस्ट कैविटी बिकम्स अ स्मॉलर एयर इज पुस्ड फ्रॉम द आउट ऑफ द लंग्स ये इसको लिख देना है तो मैकेनिज्म आसानी से लिखा जा सकता है ब्रीदिंग का डेफिनेशन आप यहाँ से ये जो है ब्रीदिंग इज द प्रोसेस बाय विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इन साइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेजम एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सवेल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम ऑलरेट ये डेफिनेशन को आप लिख दीजिए इसी के साथ दोस्तों अपना ये जो क्वेश्चन आंसर था इस चैप्टर का अच्छे से कंप्लीट हो गया है आप प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लीजिए कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बत जरूर बताइएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिख सकते हैं ओके दोस्तों प्लीज़ अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जय हिंद